दोस्तों, शाम के इस न्यूज बुलेटिन पे आपका स्वागत है। स्वागत इसलिए भी करना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी खबरें जब पता चलती हैं तो दिल टूट जाता है। शाहीन बाग पर जब पॉलिटिक्स चल रही है, खुल के चल रही है, इसके अलावा भी कुछ न्यूज है, लेकिन गुंजा कपूर पर बोलना बहुत जरूरी है। बोलना इसलिए भी जरूरी है कि गुंजा कपूर कभी NSUI की ही कांग्रेस से जुड़ी हुई नेता रह चुकी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये कोई आम आदमी पार्टी का नेता नहीं बोलेगा या भाजपा का नेता नहीं बोलेगा। बोल सकता हूं कि मैं ये बोलूंगा, लोग मुझे बायस बोलें, कुछ बोलें, लेकिन बोलना पड़ेगा। जब शाहीन बाग पर नकाब पहन करके गुंजा कपूर आ जाती हैं तो लगता है कि उनका नैतिक चरित्र गिर चुका है। वो BJP IT सेल की वो मेंबर बन चुकी हैं जो NSUI में नहीं बन चुकी थी। उन्होंने वो सारे दांव पेच सीख लिए गुंजा कपूर ने, जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल ने उनको सिखा दिए, और वो क्या साबित करने आई थी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती उन्होंने करा दी। भाइयों, ये वीडियो देख लीजिएगा, शर्मसारा होती हुई गुंजा कपूर को देख लीजिएगा, शर्मसारा होते हुए हिंदुस्तान को देख लीजिएगा, शर्मसारा होती हुई उन महिला नेताओं को देख लीजिएगा जो महिला नेता हमेशा बहुत इज्जत से आपको सारी बात करते देखिए, अगर आप सर मैम एक मिनट बात करने दीजिए। बाजी एक मिनट बाजी बाजी बिल्कुल नहीं बोले, सुनिए आप यहाँ बैठे क्या कारण है? आपको क्यों लगा कि आपको बुर्का पहन के आना चाहिए? बुर्के वाले का कोई वो नहीं है, बुर्के वाले कुछ भी करें हमारी इज्जत की बदनामी करें। आप बुर्के वाला पहनने को आपको शर्म आ गया है? इधर देखिए, आप किसी चैनल से बताइए, आपको यहाँ अलाउ किया जाएगा, आप शूट करिए। आप मीडिया से हो भाई जी? हाँ, जरा बाहर आइए प्लीज। प्लीज भाई जी। लेकिन गुंजा कपूर ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सर शर्म से झुका दिया, पकड़ी गई बुरके में। भैया, बुरका पहन के आने की जरूरत क्या थी? रिपोर्टिंग करने आई थी, कोई आपका यूट्यूब चैनल था तो बुरका पहन के आने की जरूरत क्या थी? वैसे ही आ जाती। शाहीन बाग की औरतों ने उनको पूरी इज्जत दी, पूरा उनको सम्मान दिया, पूरा सम्मान दिया उनको। तो दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाल क्या है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल क्या है। इसके आगे की जो खबर होगी वो बड़ी सनसनीखेज खबर है। लेकिन गुंजा कपूर के ऊपर बस मैं दो बार बोलने चाहूंगा कि राजनीति में इतना मत गिरो कि इतनी आकांक्षाएं ना बढ़ाओ गुंजा कपूर आप, कि आप देश को भूल जाओ, आप उन लोगों के साथ चले जाओ जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हो। मैं उन सारे कांग्रेस के लीडर्स को बोलना चाहता हूं जिस कांग्रेस पर इस देश का इतिहास लिखा गया है, उन सब पर बोलना चाहता हूं, अगर ये लोग ऐसी हरकत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद तो लगता है कि ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी IT सेल के द्वारा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। गुंजा कपूर का जो है इतिहास कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, और कांग्रेसी होने के नाते ये ऐसा कैसे कर बैठी, बुरके में पहन के रिकॉर्डिंग कैसे कर बैठी,
और मतलब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, वाकई में बहुत दुख हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। इतनी महत्वाकांक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि महत्वाकांक्षा कांक्षा में आप मतलब सारे मूल्य भुला दो गांधी जी के, गोडसे के मूल्य अपना लो, और गुंजा कपूर के बारे में कुछ रह गया हो तो जरूर आप भी बता दीजिएगा। जिस तरह के नकाब कान का प्रदर्शन था वाकई में बहुत बुरा लगा, जिस तरह से पकड़ के इनको बिठा रखा था, इनके पास सवालों के जवाब नहीं थे, शाहीन बाग की औरतों का बड़ी इज्जत के साथ बिठा रखा था, मारा पीटा नहीं था। उसके बाद पुलिस भी लगी इनको अपनी सुरक्षा में, लेकिन ये देश के साथ धोखा क्या कहलाता है आप बताइए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।